तो सब बहुत जल्द 50 चूजों की सीरीज आने वाली है। वो सीरीज में क्या रहेगा, अपने पास 50 चूजे निकले इंक्यूबेटर के, तो ये 50 बच्चों को डेली वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। ऑलरेडी शूट हो रहे वीडियोस, आपको आगे जाकर वीडियोस में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन नजर आएगी, 50 चूजे डेली कितना फीड खाएंगे, कितना पानी लगता है 50 चूजों को डेली, और किस तरह से संभाले, क्या मेडिसिन इस्तेमाल करें, क्या एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करें, क्या विटामिन इस्तेमाल करें, क्या कैल्शियम इस्तेमाल करें, क्या फीड इस्तेमाल करें, कितनी टेम्परेचर रखें, ये पूरे बताते हुए क्या करेंगे, सीरीज पे डेली वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। ऑलमोस्ट 3 दिन हो गया है वीडियो शूट होते हुए, ताकि मैं आपको 5 दिन के बाद वो वीडियोस अपलोड करूंगा। अभी देखिए 3 दिन के हो गए, आने वाले 3-4 दिन में, 2 से 3-4 दिन में वो वीडियोस के, वो जो वीडियोस अभी शूट कर रहा हूँ वो वीडियोस अपलोड होंगे दोस्त। डे 1 चिक्स मैनेजमेंट कहकर उनके साथ साथ अभी अपने पास घर के पास कुछ बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स के ऊपर भी रिसर्चेस चल रहे हैं। ये सारे रिसर्चेस क्या है, कितने मुर्गियाँ हैं घर के पास, कितने अंडे निकल रहे हैं डेली, एक कलेक्शन भी बताऊंगा कितने मुर्गियों में कितने अंडे निकल रहे हैं। कुछ बर्ड्स को हम अंदर यानी फार्म के अंदर रखकर पाल रहे हैं, कुछ बर्ड्स को हम बाहर फ्री रेंज में रखकर पाल रहे हैं, दोनों में अंडे कितने ज्यादा निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं इसमें, कितने निकल रहे हैं और बाहर कितने निकल रहे हैं, और घर के पास एकदम कम खर्चे से, जीरो कॉस्ट से हम मुर्गी पालन किस तरह से करें, थोड़ी बहुत मेहनत लगाकर। ये पूरे वीडियोस आपको आने वाले वीडियोस में नजर आ जाएंगे। तो जो भी भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो जल्दी से लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मारिए, दबाइए, दबाकर बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल कर लीजिए। तो ये 5 वीडियोस मैं ऐसे बनाऊंगा कि आने वाले वीडियोस में नजर आएंगे आपको ये 5 वीडियोस। पहला वीडियो रहेगा जो अपना पुराना फार्म था दोस्त, ये पुराने फार्म में टोटल इनकम बताऊं पहले, ये टॉपिक देखिए दोस्त, कौन से टॉपिक का कवर करूंगा, पहले वो फार्म की जर्नी बताऊंगा आपको, कब स्टार्ट हुआ था वो फार्म, कब एंड करे वो फार्म को कहकर, किस वजह से एंड हुआ है। ये पहला वीडियो रहेगा, पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 पे क्या आएगा, वो फार्म में कितने बर्ड्स अपन कितने बर्ड्स से कितने बर्ड्स तक बढ़ाए थे, कितना इनकम आया था और कितना लॉस हुआ है, तो कितना लॉस हुआ था, लॉस तो नहीं हुआ है मेरे भाई, बट तो क्यों बंद हुआ है, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं आपको बताऊंगा वो वीडियो उसमें, और टोटल अंडे कितने निकले थे अपने, लगभग 2 साल 6 महीने कुछ वो फार्म रन हुआ था, ये 2 साल 6 महीने में मेरी एंट्री कब हुई थी और कितने वर्ष से कितने वर्ष तक बना दिए थे और कितने मुर्गों को बेचे थे हम, कितने बैचेस को बेचे थे, आपको पता होगा वो वीडियोस देख रहे हो तो, आप देखे हो तो, पुराने मेरे सब्सक्राइबर जो भाइयाँ हैं वो भाई वो वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा, अपन नींबू के बाग में एक जाली में एक मुर्गी के साथ 40 बच्चे 50 बच्चे पाल लेते, अपने जो सब्सक्राइबर भाइयाँ ही लेने आते थे, खरीद के लेके जाने आते थे, तो भाइयों को अपन बेचे थे, वो कितने बैचेस बेचे उस तरह के, ये पूरी की पूरी टॉपिक आपको डिटेल से बताऊंगा, ताकि आपको भी फार्म करते समय मदद हो सके, आपको कभी लॉस नहीं जाए आप, तो ठीक है ये टॉपिक्स बताऊंगा। अभी एक बार, कल तो अपने पास 6 अंडे निकले थे, 6 अंडे तो कहाँ कहाँ पर निकले थे एक बार ये बता देता हूँ, उसके बाद अपन चूजे भी देखते हैं वो चूजों को किस तरह से ब्रूडिंग कर रहे हैं कहकर। देखिए मेरे भाई ऐसा है ना, अभी मैं डेली वीडियोस, मतलब कल एक वा दिन है तो आज डे ओल्ड चिक्स मैनेजमेंट कहकर क्यों अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आपको 5 दिन हो जाए ना, मैं मान लो आज मेरा चूजों का डे 1 है, ये 5 दिन बाद मैं वीडियो रखूँ ना आपको, तब और भी क्लैरिटी से समझा पाऊंगा। बस इतना करिए आप, अगर से आप मुर्गी पालन कर रहे हो, करना समझ रहे हो, तो 50 चूजे ला लीजिए कहीं से भी, ओरिजिनल देसी, मैं वो चूजों को आपको डे वन पे किस तरह से पालना है, डे 2 पे किस तरह से पालना है, डे 3 पे किस तरह से पालना है कहकर मैं वीडियोस अपलोड कर लेते जाता हूँ। वो वीडियोस देखना है आपको, देखकर मैं किस तरह से पाल रहा हूँ सेम आपको उसी तरह से पालना है। मैं कहने का मेरा मकसद एक ही है कि मैं आगे चलूंगा, मेरे पीछे आप आइए, मेरे कदम में कदम रख लेते हुए, अगर से रास्ते में कांटे हो ना मुझे चुभेंगे, पर आपको चुभने नहीं दूंगा मैं।
ठीक है ना मेरे भाई। आज मैं डे ओल्ड चिक्स ब्रूडिंग मैनेजमेंट कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी गलती हो गई है, कुछ भी मतलब कुछ भी ये हुआ है, तो मैं आपको 5 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको क्लियर से बता सकता हूँ। देखो मेरे भाई, ऐसा हो रहा है, ऐसे मत करो, ऐसे करो चूजे डैमेज नहीं होंगे, चूजे अच्छे रहेंगे, अगर मैं बता पाऊंगा। इसीलिए पहले मैं चलूंगा रास्ते पे, उसके बाद मेरे कदम में कदम रख लेते, आप आइए पीछे से। अगर रास्ते में कांटे हो तो मुझे चुभेंगे, पर आपको चुभने नहीं दूंगा। ये बात आप याद रखिए, ताकि आजकल बहुत सारी महंगाई बढ़ जाने की वजह से मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर जाना बहुत मतलब और भी थोड़ा सा रिच होना बहुत मुश्किल हो रहा है उनको, और भी नीचे आ रहे हैं कुछ फैमिलीज। इसीलिए साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। बस आपको इतना करना है कि डेली वीडियोस देखना है, रेस्पॉन्स करना है वीडियो पे, कमेंट करिए अच्छा सा आपका प्यारा सा कमेंट, माशाल्लाह कह सकते हो भाई बहुत अच्छा लगा वीडियो का, अगर कुछ भी कमेंट कर सकते हो मेरे भाई, ताकि मुझे आपका कमेंट देखता हो ना अच्छा सा कमेंट, बहुत खुशी होती है। तो वो खुशी से और भी रेगुलर वीडियोस, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव एंटरटेनिंग, और क्या बोलता हूँ मेरे वीडियोस में, इन्फॉर्मेटिव इम्पोर्टेंट एंटरटेनमेंट वीडियोस रहे मेरे कहकर, तो आपको हर वीडियो में एक नई जानकारी मिलेगी आपको। फिर अभी क्या करेंगे, एक कलेक्शन कल कितना हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और चूजों को देख लेते हैं एक बार। चलिए जल्दी से चूजों के पास, अंडों के पास चलते हैं, दिखा देता हूँ आपको। पहले यहाँ पर देखिए दोस्त, अपन ये खुराड़ा इस तरह से रहेगा, इसमें लगभग 13 मुर्गियाँ रहेंगे और 1 मुर्गा रहेगा। 13 अपने पास ये वाले बाहर फ्री रेंज में रहते थे, तो टोटल बर्ड्स 13 रहेंगे दोस्त। उनके साथ 2 मुर्गे रहेंगे, एक वाइट वाला एक लाल वाला। लाल वाला थोड़ा सा सुस्त हुआ है, उसका इलाज चल रहा है, जो पिछले वीडियो में आप देखे हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर कल 5 अंडे दिए थे मेरे भाई, तो आज देखिए 3 है, और भी 2 शाम तक दे देंगे, मे भी मेरे ख्याल से देंगे या नहीं देंगे आपको पता चलेगा अगले वीडियो उसमें। तो यहाँ पर खुराड़ा इस तरह से, जो मुर्गी का घर भी कह सकते हो, देखिए कितना सिंपल तरीके से, कितने कम कॉस्ट से बनाया हूँ मैं ये। तो यहाँ पर ये ईंटा थे जो अपना घर बनाते समय बच गए थे, तो ईंटों को क्या कर रहा हूँ, मट्टी से बनाया हूँ। यहाँ पर देखिए आपको मट्टी दिख जाएगी, ये पूरी मट्टी है दोस्त, ऊपर से थोड़ा सा सीमेंट बच गए, तो मैं थोड़ा सा सीमेंट ये मारा हूँ, पर ये मट्टी और ईंट से बनाए सो ये वाला मुर्गी का घर है। लगभग 2 साल हो गया है ये बनाकर। तो अभी 1 टीन देखिए किस तरह से, 700 रुपये में जब तो कम में थी, और 500 रुपये में 1 टीन थी, 2 टीन 1000 रुपये का ऊपर का खर्चा आया है बस इतना ही। इसका डोर भी देखिए टीन से ही बना दिया हूँ, एकदम सिंपल तरीके से आप इस तरह से कर सकते हो। आपके पास ईंट नहीं है तो इस तरह के पत्थर भी है, तो आराम से पत्थर से भी बना ले सकते हो, आपके पास कुछ भी अमाउंट नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक कलेक्शन, उसमें एक्स देते हैं अपने पास। अभी दूसरा देखिए, ये भी एकदम सस्ते से बनाया हूँ, एकदम कम खर्चे से। तो यहाँ पर देखिए, ये भी लगभग 6 से 8 महीने हो जा रहा है, ये भी बनाकर 8 महीने के करीब हो रहा है। तो यहाँ पर ये लकड़ियाँ देखिए किस तरह से ही कराऊँ, एकदम कम खर्चे से, पाइप्स नहीं है, लकड़ियाँ हैं, और ये जाली भी बहुत कम कीमत में मिली है, लगभग 1300 रुपये कुछ बंडल था इसका, तो इतना ही। और टीन ऊपर टीन रहेगी इस तरह से। ये वाला लाल वाला मुर्गा थोड़ा सा सुस्त हुआ है, तो मे बी कल परसों में ठीक हो जाएगा वो। तो अभी यहाँ पर सेम इसी तरह से आप भी बना सकते हो, और इसके जैसा ही एक पार्टीशन मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर बनाने वाला हूँ। इसमें देखिए कल 1 अंडा निकला था, बाहर फ्री रेंज के बर्ड्स 5 अंडे दिए थे, और इसमें सिर्फ 1 अंडा निकला था दोस्त। ये नए मुर्गियाँ हैं अपने, ये वाली मुर्गी अभी अभी बच्चों को छोड़ दी थी, तो यहाँ पर जो वीडियो में देख रहे हो आप, इसके साथ साथ नए जब मुर्गियाँ लाते हो तो अपने जगह को थोड़ा कंफर्टेबल फील होने के लिए, अंडे देने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं मेरे भाई। तो डेली 1 अंडा निकल रहा है अंदर, तो आज देखेंगे कितने अंडे निकलेंगे कहकर। आज कितने निकले अंडे कल नज़र आएंगे आपको कल के वीडियो में। तो एक कलेक्शन इस तरह से रहता है, ये फ्री रेंज के बर्ड्स देखिए एक बार, अपन घर के पास इस तरह से आप आसानी से पाल सकते हो मेरे भाई। तो यहाँ पर तो, और टोटल बाहर 13 मुर्गियाँ रहेंगे, 2 मुर्गे रहेंगे, तो ये 13 मुर्गियों में से 3 मुर्गियाँ अंडों के ऊपर भी है दोस्त। चलिए वो अंडों के ऊपर के भी बता देता हूँ मैं मुर्गियाँ। तो ये देखिए इसके नीचे 15 अंडे, 15 में से 15 चूजे फटाइल है दोस्त, एकदम मस्त तरीके से सेक रही है अंडों को और घुमा रही है, आराम से बच्चे निकाल लेगी ये। इसको फॉलफॉक्स हुआ था अभी, पूरा सा एक 95% रिकवर हो गई है ये, थोड़ा सा है बस, वो भी रिकवर हो जाएगी।
उसके बाद ये वाली जो अपनी 36 बैच में की मुर्गी है, ये भी खुड़क बन गई है, अंडों पे बिठा दिए इसे। एक बार देखिए कितने अंडों पे बैठी है, ये कितने दिख रहे हैं, 18 अंडे, 18 अंडों पे बैठी है ये। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से 18x को कवर कर इस तरह से बैठ गई है। अभी अभी कल परसों में बिठाए हैं इन्हें, तो इसीलिए थोड़ा सा सारे अंडों को कवर नहीं करें, मे भी कल परसों तक पूरे अंडों को कवर कर बैठ जाएंगे ये। तो यहाँ पर देखिए तो इस तरह से ढिकलना है आपको, खुड़क बिठाए जब बाहर नहीं निकलना है अंडे। तो अभी देखिए ये 3 मुर्गियाँ अंडों पर रहेंगे, अभी 10 मुर्गियाँ बाहर खुले में रहेंगे। ये 10 मुर्गियों में से कितने मुर्गियाँ अंडे दे रहे हैं, 5 मुर्गियाँ, कल तो 5 निकले बाहर अंडे, तो 5 मुर्गियाँ अंडे दे रहे हैं दोस्त। और इंक्यूबेटर में भी ये मुर्गियाँ दिए सो अंडे, अपन देखिए इंक्यूबेटर में भी डालें तो यहाँ पर इंक्यूबेटर भी भर गया है अंडों से, कितना कितना मस्त भरा है ना, माशाल्लाह। जो अभी अभी क्या करेंगे, इंक्यूबेटर का प्रोसेस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से बनाना है इंक्यूबेटर कहकर। अभी देखिए यहाँ पर अभी जोर से बात करूंगा तो ये डर जाएंगे, मे भी काफ़ी बड़े हो रहे हैं, जल्दी जल्दी से ही स्टार्टर फीड दे रहे हैं हम, जो जो मैनेजमेंट करना है वो पूरी पकड़ बंद मैनेजमेंट कर रहे हैं। 50 चूज़ों में से 50 चूज़े हैं दोस्त, एक भी डैमेज नहीं हुआ है माशाल्लाह। अभी आपको बहुत जल्द इनकी सीरीज आपको कंटिन्यू होने वाली है, मैं जो भी टॉपिक बताऊंगा वीडियो में वो टॉपिक के बाद इनकी टॉपिक ज़रूर रहेगी मेरे भाई, ताकि वीडियोस ऑलरेडी शूट हो रहे हैं आपके लिए ही। जैसे मैं बताया हूँ मैं सामने चलूँगा, मेरे पीछे आप चलिए, ताकि जो रास्ते में कांटे होंगे वो मुझे चुभेंगे पर आपको चुभने नहीं दूंगा मैं। तो अभी इस तरह से एकदम परफेक्ट है, अभी मैं थोड़ा सा चिल्ला रहा हूँ तो वो डर गए, मम्मा भाई मैं कुछ नहीं चिल्लाऊंगा, अभी आराम से खाओ पियो मस्त एंजॉय करो। एक बार ये मुर्गी को पहचानिए दोस्त, जब इसे डायरिया आया था, CRD आई थी, तो कितना वीक हो गई थी, कितना इसका तो पूरा सा 1% चांस दिख रहा था मुझे बचने का, बिल्कुल नहीं बचेंगे समझे थे, बट फाइनली ये अल्लाह के करम से बच गई है और अंडे भी देना चालू कर दिए, ये लगभग 2 से लेकर 3-4 अंडे दी होगी मे भी। तो ये हो गया है, और ये वाली भी मुर्गी अंडे दे रही है अपनी, ये सेकंड टाइम दे रही है दोस्त। ये जो मुर्गी देख रहे हो आप, एक बार बच्चे चूजे निकाली है, ये अपनी 26 का ही बैच का बैच की मुर्गी है ये, एक बार चूजे निकाल कर फिर अंडे देना स्टार्ट करिए। ये अभी इसके सामने की मुर्गी देखिए, इसमें फॉलफॉक्स आया था, फॉलफॉक्स से पूरी तरह से रिकवर हो गई है, अभी थोड़ा सा डल डल नज़र आ रही है, कल परसों तक पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगी ये। अभी ये देखिए ये तो ऐसा है, बहुत खतरनाक है माशाल्लाह, मस्त है ना दोस्त। ये वाला मुर्गा भी लाल मुर्गे को भगा भगा कर भूक रहा है, वो थोड़ा सा सुस्त हुआ है, तो अभी कल ठीक हो जाएगा, मे भी कल या परसों तक पूरी तरह से रिकवर कर देंगे हम अल्लाह के करम से। तो ये वाली मुर्गी को भी आज छुड़ा लेकर बाहर आ गई है, इसे भी फॉलफॉक्स ट्रीटमेंट चल रहा था इसके पीछे की। और ये वाली मेरी बिजनेस की फर्स्ट मुर्गी है दोस्त, एक मुर्गी से मैं स्टार्ट कर रहा था बिजनेस, तो वो एक मुर्गी का मैं आपको आगे बताऊंगा कितने मुर्गियों से मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, कैसे स्टार्ट कराऊंगा कर। ये वाला मुर्गा देखिए, लाल मुर्गा यहाँ पर है, इसे फॉलफॉक्स हुई थी, फॉलफॉक्स से रिकवर हो गया है ये, और अभी थोड़ा सा CRD वाइट डायरिया है, अभी थोड़ा सा लंगड़ा भी है ये, थोड़ा सा इसको इलाज करना पड़ेगा। अभी मैं मेरे रूम में था, ये उड़कर बाहर भाग के आ गया है, पर फिर कल रूम में डालेंगे, तो अभी अभी तो अच्छा चल रहा है पर ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पा रहा है ये। तो यहाँ पर देखिए अंदर जाएगा, मम्मा अंदर चले जा, अंदर चले जा, रूम में जा, अंदर जाएगा तो अच्छा है, देखेंगे अंदर जाएगा तो सज्जे के ऊपर ही रह रहा था वो 2 दिन से, ऑलमोस्ट 60% रिकवर हो गया है और 40% होना है, बट मुर्गियों में ऐसा रहता है दोस्त, 1% भी हम रिस्क नहीं लेना है, पूरी बीमारी कम करना है।